मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मशहूर छोटी झील में गणपति विसर्जन करने आए कुछ लोगों ने की नाव पलट गई और इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों के लोगों को 11-11 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है। भोपाल में गणपति विसर्जन के दौरान हुए नाव हादसे का वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गणपति के विसर्जन के बाद नाव पलट गई और देखते ही देखते 11 लोग डूब गए। वहीं राहत की बात ये रही कि राहत और बचाव दल ने 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। बताया जा रहा है कि बोट में जरूरत से ज्यादा लोग थे, इसलिए बोट का संतुलन बिगड़ा और बोट पलट गई। राज्य के सीएम कमलनाथ ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एक्शन की बात कही गई है। राज्य सरकार की ओर से मुआवजे की राशि बढ़ाकर 11 लाख कर दी गई है। बहुत बहुत बड़ा हादसा हुआ और जहाँ 11 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस पर हम इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर करिए, इसकी पूरी इंक्वायरी हुई किस प्रकार हुए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करी जाए। लापरवाही के लिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। ये बच्चे तो चले गए, लेकिन ऐसी घटना फिर और ना हो इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाओं की जरूरत है और जिनने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई की भी आवश्यकता मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक विकास को उम्मीद से काफी कमजोर बताया और साल 2019-20 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर को 0.3% कम कर दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत का आर्थिक विकास दर चीन से बेहतर रहने की उम्मीद जताई है। भारत में आर्थिक विकास की धुंधली तस्वीर पर चिंता जताने वालों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी शामिल हो गया है। आईएमएफ ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट उम्मीद से काफी कम है। आईएमएफ के प्रवक्ता गैरी राइस ने चिंता जताते हुए कहा कि हाल के जीडीपी आंकड़े भारत के लिए धीमी आर्थिक विकास का संकेत देते हैं। ऐसे में भारत का आर्थिक विकास उम्मीद से काफी कम है। हालांकि सुस्ती के बावजूद आईएमएफ ने चीन से विकास के मामले में भारत को आगे रहने की उम्मीद जताई है। ऐसे में दुनिया की सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत आगे बना रहेगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे गणपति बप्पा को पूरे देश ने विदाई दी, लेकिन बॉलीवुड की हस्तियों ने भी पूरे धूमधाम के साथ बप्पा को विदा किया। गुरुवार को मुंबई समेत देश भर में गणेश विसर्जन किया गया। पिछले 10 दिनों में घर में विराजे गणपति को लोगों ने जयकारों के साथ विदा किया। बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश ने 11 दिन के गणपति बप्पा को विदाई दी। इस मौके पर नील बेहद देसी अंदाज में ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए नजर आए। साथ ही एक्ट्रेस दिव्या खोसला और उनके पति भूषण कुमार ने भी बप्पा की आरती की।